मैं यही कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार एक तरह से प्रधानमंत्री जी खासतौर एक तरह से पिता समान होते हैं, जैसे परिवार में पिता होता है, पिता समान होते हैं। पिता की जिम्मेदारी होती है कि सारे बच्चों को अच्छे से उनका पालन पोषण करें। अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, हम भी उन्हीं की तरफ देखते हैं। चाहे बीजेपी की किसी राज्य में सरकार है, किसी में कांग्रेस की सरकार है, किसी में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो सारे के सारे प्रधानमंत्री को एक तरह से पिता समान देखते हैं कि भाई ये अब कोई मुसीबत आएगी तो हमारी मदद करेंगे। लेकिन अगर जैसे ये 23 मई 2015 को आदेश पारित करके दिल्ली सरकार की पावर छीन ली गई, 8 साल तक हमें बिना पावर के काम करना पड़ा, काम रुक गया, किसका फायदा हुआ? आज सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया कि ये गलत था, ये ऑर्डर बिल्कुल गैर संवैधानिक ऑर्डर था। जितनी सख्त लैंग्वेज के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है उससे ये साफ जाहिर है कि ये ऑर्डर केंद्र सरकार का बिल्कुल गलत था। तो इतना गलत ऑर्डर उन्होंने पास किया तो उसका मतलब तो यही था कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार को फेल करना उसका मकसद था, और तो कोई मकसद नहीं था। देश का तो भला नहीं हुआ, दिल्ली का तो भला नहीं हुआ, केवल और केवल लोगों का नुकसान हुआ। ये नहीं करना चाहिए। चुनाव में लड़ते हैं, राजनीति कर लो, चुनाव में एक दूसरे को जो बोलना है बोल लो, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद चाहे कोई बीजेपी की सरकार है, चाहे कांग्रेस की सरकार है, आम आदमी पार्टी की, हम सबको मिलकर काम करना चाहिए।